नमस्कार, मैं सूर्या। आज हम बात करेंगे धारा 370 जो कि भारत के लिए मुसीबत बन गई है। इससे भी जटिल अनुच्छेद 35A है। आज हम इसके बारे में बात करेंगे, सरकार इसको हटा सकती है कि नहीं, कि सरकार हमें पागल बना रही है। दरअसल जम्मू कश्मीर को शुरू से ही भारत का अंग माना गया है, लेकिन मौजूदा समय में धारा 370 और 35A को लेकर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी दोनों धाराओं को हटाने के पक्ष में शुरू से है। इस संबंध में बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा था कि राष्ट्रपति के एक नोटिस से धारा 370 खत्म हो सकती है, लेकिन ऐसा होना लगभग नामुमकिन है। वहीं अन्य पार्टियों के नेताओं का इस पर गोलमाल रवैया रहा है। आज हम आपको धारा 370 और 35A के बारे में कुछ रोचक बातें बताने जा रहे हैं। दरअसल धारा 370 और 35A भारत के संविधान में दो ऐसे अनुच्छेद हैं जो कि जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष अधिकार प्रदान करते हैं। अनुच्छेद 370 को भारतीय संविधान में पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह के हुए समझौते के बाद जोड़ा गया था। अनुच्छेद 35A को 14 मई 1954 को तात्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने एक आदेश पारित किया था। इस आदेश के जरिए भारत के संविधान में एक नया अनुच्छेद 35A जोड़ दिया गया था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 में जम्मू कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। वर्तमान भारत सरकार इस दोनों अनुच्छेदों को हटाकर जम्मू कश्मीर को मिलने वाले सभी विशेष अधिकार समाप्त करना चाहती है। दरअसल दिल्ली एग्रीमेंट सन 1952 में जम्मू और कश्मीर के तात्कालिक प्रधानमंत्री शेख अब्दुल्ला और भारत के प्रधानमंत्री नेहरू के बीच हुआ था। इस समझौते में भारत की नागरिकता को जम्मू और कश्मीर के निवासियों के लिए भी खोल दिया गया था। मतलब जम्मू और कश्मीर के नागरिक भी भारत के नागरिक मान लिए गए थे। सन 1952 के दिल्ली एग्रीमेंट के बाद 1954 को विवादित कानून अनुच्छेद 35A बनाया गया था। हुआ यूं, जम्मू कश्मीर का संविधान 1954 में बनाया गया था। इस संविधान के मुताबिक जम्मू कश्मीर का स्थानीय नागरिक वही व्यक्ति है जो 14 मई 1954 को राज्य का नागरिक रहा हो या फिर उससे पहले 10 वर्षों से राज्य में रह रहा हो, साथ ही उसने वहां संपत्ति हासिल की हो। वहीं अनुच्छेद 35A संविधान में शामिल प्रावधान है जो जम्मू और कश्मीर विधानमंडल को यह अधिकार प्रदान करता है कि वह एक तय करे कि जम्मू और कश्मीर का स्थानीय निवासी कौन है और किसे सार्वजनिक क्षेत्र की नौकरियों में विशेष आरक्षण दिया जाएगा, किसे संपत्ति खरीदने का अधिकार होगा। अनुच्छेद 35A में यह प्रावधान है, यदि राज्य सरकार किसी कानून को अपने हिसाब से बदलती है तो उसे किसी भी कोर्ट की चुनौती नहीं दी जा सकती। वहीं अनुच्छेद 35A में जम्मू कश्मीर को राज्य के रूप में विशेष अधिकार देते हैं। इसके तहत दिए गए अधिकार स्थानीय निवासियों से जुड़े हुए होते हैं। इसका मतलब राज्य सरकार को ये अधिकार है वो आज़ादी के बाद दूसरे जगहों से आए शरणार्थियों और अन्य भारतीय नागरिकों को जम्मू कश्मीर में किसी तरह की सहूलियत दे अथवा ना दे, वो है तय कर सकते हैं। आपको बताते हैं अनुच्छेद 35A में मुख्य प्रावधान क्या है। यह अनुच्छेद किसी गैर कश्मीरी को कश्मीर में जमीन खरीदने से रोकता है। भारत के किसी अन्य राज्य का निवासी जम्मू कश्मीर का स्थानीय निवासी नहीं बन सकता है और इसी कारण यहाँ वोट नहीं डाल सकता है। अगर जम्मू कश्मीर की कोई लड़की किसी बाहर के लड़के से शादी कर लेती है तो उसके सारे अधिकार खत्म हो जाते हैं, साथ ही उसके बच्चों के अधिकार भी खत्म हो जाते हैं। वर्तमान में इसे हटाने की मांग क्यों हो रही है, चलिए जानते हैं। दरअसल इसे हटाने के लिए पहली दलील यह है कि इसे संसद के जरिए लागू नहीं करवाया गया था।
देश के विभाजन के वक्त बड़ी तादाद में पाकिस्तान से शरणार्थी भारत आए थे। इसमें लाखों की तादाद में शरणार्थी जम्मू कश्मीर राज्य में ही रह रहे हैं और उन्हें वहाँ की नागरिकता दे दी गई। जम्मू और कश्मीर सरकार ने अनुच्छेद 35A के तहत इन सभी भारतीय नागरिकों को जम्मू कश्मीर के स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र से वंचित कर दिया। इन वंचितों में 80% लोग पिछड़े और दलित समुदाय से हैं। जम्मू और कश्मीर में विवाह करने वाली महिलाओं और अन्य भारतीय नागरिकों के साथ भी राज्य सरकार अनुच्छेद 35 से आड़ लेकर भेदभाव करती है। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट ने आर्टिकल 370 बदलने या इसे हटाने की इच्छा रखने वालों को करारा झटका दिया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि यह आर्टिकल भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में स्थाई है, इसे न तो बदला जा सकता है और न ही हटाया जा सकता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 35 से राज्य में लागू मौजूदा कानून को सिक्योरिटी देता है। जस्टिस हसनैन मसूदी और जनक राज कोटवाल की डबल बेंच ने 60 पेज के ऑर्डर में कहा है कि आर्टिकल 370 को स्थाई परिवर्तन और विशेष प्रावधान शीर्षक वाले भाग 21 में रखा गया है। इसके बाद भी संविधान में यह स्थाई तौर पर शामिल है। वहीं लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में शिकायत की थी कि अनुच्छेद 35A के कारण संविधान प्रदल अनेक मूल अधिकार जम्मू कश्मीर राज्य में छीन लिए गए हैं, लिहाजा राष्ट्रपति के आदेश से लागू इस धारा को केंद्र सरकार फौरन रद्द करे। हालांकि धारा 370 को खत्म करना आसान नहीं है, लेकिन अनुच्छेद 35A को केंद्र सरकार खत्म कर सकती है। इसके लिए अध्यादेश लाकर दोनों सदनों में सरकार को कानून पास कराना होगा। बहरहाल, विभिन्न तर्कों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि जम्मू कश्मीर को अनुच्छेद 35A और अनुच्छेद 370 के कारण बहुत से विशेष अधिकार मिले हुए हैं, जिससे ऐसा लगता है कि भारत के अंदर एक और भारत मौजूद है जिसका अपना अलग संविधान है, नागरिकता है, अपना राष्ट्रीय झंडा है। ऐसी स्थिति में भारत की एकता और अखंडता के लिए बहुत बड़ा खतरा है, इसलिए भारत सरकार को इस मुद्दे को बिना किसी देरी के सुलझाना चाहिए। हम आपको ये भी बताना चाहते हैं, भारतीय संविधान और जम्मू कश्मीर के संविधान में क्या अंतर है। चलिए, जम्मू कश्मीर का झंडा भारतीय झंडे से अलग होता है। जम्मू कश्मीर के नागरिकों के पास दोहरी नागरिकता होती है। जम्मू कश्मीर में भारत के राष्ट्रीय ध्वज या राष्ट्रीय प्रतीकों का अपमान अपराध नहीं है। यहां भारत की सर्वोच्च अदालत का आदेश भी मान्य नहीं होता है। जम्मू कश्मीर की कोई महिला यदि भारत के किसी अन्य राज्य के व्यक्ति से शादी कर ले तो उस महिला की जम्मू कश्मीर से नागरिकता खत्म हो जाती है। यदि कोई कश्मीरी महिला पाकिस्तान के किसी व्यक्ति से शादी करती है तो उसके पति को भी जम्मू कश्मीर की नागरिकता दे दी जाती है। धारा 370 के कारण कश्मीर में रहने वाले पाकिस्तानियों को भी भारतीय नागरिकता मिल जाती है। जम्मू कश्मीर में भारत के लोग जमीन नहीं खरीद सकते। वहीं जम्मू कश्मीर की विधानसभा का कार्यकाल 6 साल का होता है, जबकि अन्य राज्यों की विधानसभाओं का कार्यकाल 5 साल का होता है। वहीं भारत की संसद जम्मू कश्मीर के संबंध में बहुत ही सीमित दायरे में कानून बना सकती है। जम्मू कश्मीर में महिलाओं पर शरीयत कानून लागू होता है। जम्मू कश्मीर पंचायत के पास कोई अधिकार नहीं है। धारा 370 के कारण जम्मू कश्मीर में सूचना का अधिकार आरटीआई लागू नहीं होता है। जम्मू कश्मीर में शिक्षा का अधिकार आरटीई लागू नहीं होता है। यहां सीएजी भी लागू नहीं होता है। आज भी जम्मू कश्मीर में काम करने वाले चपरासी को 2500 बतौर वेतन मिलता है।
कश्मीर में अल्पसंख्यक हिंदुओं और सिखों को 16% आरक्षण नहीं मिलता है। तो ये थी धारा 370 के बारे में कुछ रोचक जानकारियां। आशा करते हैं ये जानकारी कहीं ना कहीं आपको काम आएगी। नमस्कार।